हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्सकॉलर। इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे केस नंबर टू। तो पहले एक बार हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल गो टू दी एक्सेल यूटिलिटी फाइल। तो देखिए, ये सब तो हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। तो हम डायरेक्टली जो है, हम अपने जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उस पर जाते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी बेस सैलरी गिवन आपको 48 लाख, सरेंडर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, रिम्बर्समेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर, हाउस रेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट, लीव सैलरी फुली टैक्सेबल, एलटीसी रिसीव्ड एंड एग्जेम्प्ट अमाउंट गिवन टू यू, ट्रेनिंग अलाउंस रिसीव्ड एंड एग्जेम्प्ट अमाउंट गिवन। देन वी हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एंड देन ये आपको जो है इंटरेस्ट ऑन अप्रूव्ड कैपिटल अमाउंट गिवन है, दैट इज 3,90,000 इन नेगेटिव, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा, दैट इज 2 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बैंक इंटरेस्ट मिला है दिस मच अमाउंट, अगेन ये आपका जो है नेट अमाउंट है, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग 10% TDS। तो ये ग्रोस अमाउंट कितना होगा, दैट इज 30 लाख। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दिस मच अमाउंट, डिविडेंड मिला है नो TDS, तो ये फुल ही आपका फुल्ली आपका टैक्सेबल होगा। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है आपकी 80C में इतना है, 80CCD1B में इतना है, 80D में इतना है, TDS इतना कटा है, एम्प्लॉयर ने इतना डिडक्ट किया है, और बैंक ने FDP इतना TDS डिडक्ट किया है, इतना एडवांस पे किया उसने, एंड उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको गिवन है। राइट, सो ये आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देन लेट स्टार्ट वन बाय वन फिलिंग अप दी ऑल दी इंफॉर्मेशन इन एक्सेल फाइल। दिस इज एक्सेल फाइल। ओके, अब बनने में जो चाहिए उसको यस करेंगे, बाकी सबको नो करेंगे। कैपिटल गेन नो, 1-1-2-A नो, दिस आल्सो नो, अदर सोर्सेज यस, इसको नो करेंगे, डोनेशन नो, ETD यस, साइंटिफिक रिसर्च नो, TIV नो, चैप्टर 6 है यस, माइनर इनकम नो, वन फ्रॉम GSE नो, वन फ्रॉम GD नो, यस दिस इज नो, टैक्स रिलीफ नो, फॉरेन एसेट्स नो, पोर्टुगीज ट्रेड कोड नो, दिस आल्सो नो, दैट्स इट। नाउ अप्लाई। Part A general sheet, filling up all the basic details. Make sure fill up all the details as per the information given in the question. Status individual,
make it after due date. Resident and ROR now would given, that is he was living in India for more than 720 days. So option October carrying 1, that is for more than 182 days. ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, उसको नो करेंगे। इसको भी नो करेंगे। एंड इसको भी नो करेंगे। दैट्स इट। शीट को हम वैलिडेट करेंगे एंड देन वी विल मूव टू दी सैलरी पार्ट। It is okay. Salary. अब देखिए सैलरी हमको क्यों ना, बेसिक सैलरी 48 लाख, बेसिक सैलरी 48 लाख, नेक्स्ट सर्विस अलाउंस लिस्ट में होना तो होता नहीं है, ट्रांसफर अलाउंस नहीं होता, एचआरए होता है, पहले एचआरए फिर करते हैं 26,000 एचआरए 26,000। अब देखो नोट करो एक बार, हमारे कौन कौन से अलाउंसेज कौन कौन से प्रोफेसर रह गए। सर्वेंट अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ हमारे गए, हमें 8 रोज चाहिए, हमें तो नीचे आएंगे और 8 रोज हम ऐड करेंगे, ऐड 8। और इसको ऐड करने के बाद हम वन बाई वन सारी एंट्री जो है यहाँ लिखेंगे। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, दैट इज 1500। इसके बाद आपका है ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड सर्वेंट अलाउंस,
अदर अलाउंस में रख देंगे इसको हम, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रख दो, दैट इज 18,000। एंड इसको हम अदर्स में ले जाते हैं, सर्वेंट अलाउंस, दैट इज 12,000। उसके बाद आपका है ड्राइवर अलाउंस 36,000। देखो ड्राइवर अलाउंस वैसे होता है नहीं है अलाउंसेस में आपका, तो अब हम क्या करते हैं, मैं ना इसमें ना अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, सर्वेंट अलाउंस में ही ड्राइवर अलाउंस ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो ड्राइवर अलाउंस देखिए कितना है, दैट इज 36,000, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 36,000, यानी टोटल कितना हो गया 48,000, राइट? गलत नहीं हो गया आपका ये, देन मेडिकल एक्सपेंडिचर 26,000, यहाँ पर लिख सकते हो मेडिकल एक्सपेंडिचर, देन लीव सैलरी 12,000, लीव सैलरी 12,000, देन वी हैव एलटीसी रिसीविंग अमाउंट 71,000, एलटीसी रिसीव अराउंड 71,000, राइट? ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव हुआ 58,000, अदर्स में लिखना इसको ट्रैवलिंग अलाउंस, एक काम करते हैं, एक हमने एक्स्ट्रा बनाए रखा है तो इसको हम अलग कर देते हैं, ड्राइवर अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस कर ही देते हैं इसको यहाँ पर हम, तो इसको हम यहाँ पर 12,000 ही रहने देते हैं, यहाँ ले देंगे हम अदर्स में ड्राइवर अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस 36,000, ऑलराइट? So now we have written and put up all the entries related to the amount received by the employee from employer. जितने भी हमारे allowances हो छप्पर के चीज़ हो हमने एक एक चीज़ mention कर दी। अब देखते हैं हमें कौन कौन सा, हमें जो है पार्ट एग्जाम करना है, एग्जाम टाइम वाला है हमारा एक तो 10-14 एजुकेशन लोन्स, सो नीचे आएंगे एग्जामेशन में 10-14-1 चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स 1,500। नेक्स्ट हमारा एलटीसी 10-5 56,000, 10-5 56,000, देन 10-14 52,000, 10-14
to 52,000. That's it. और कहीं आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है. सो दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी दैट इज 49,01,000. वैलिडेट. शीट इज ओके. नेक्स्ट. नाउ दिस इज रेडी टू हाउस प्रॉपर्टी. Self, no. अब ये जो प्रॉपर्टी थी आपकी दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड. सीधा हम यहाँ पर आएंगे बरोड कैपिटल में. टू लैख पूरा अमाउंट हम लिख नहीं सकते क्योंकि सदा ले गए नहीं. वैलिडेट. शीट इज ओके. नेक्स्ट. दिस रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बैंक इंटरेस्ट लिखेंगे हम 30,00,000. बैंक इंटरेस्ट यहाँ आएगा डिपोजिट में आएगा 30,00,000. ऑलराइट. Then, saving bank interest 28,400. 28,400. Then, dividend mila hai 4750. वो हम यहाँ लिखेंगे 4750. That's it. Other sources में कुछ हमें given ही नहीं है. इसको हम करेंगे वैलिडेट. शीट इज ओके. नेक्स्ट. कैलकुलेट सेट ऑफ. ओके. वैलिडेट. ओके. नेक्स्ट. टीडी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें. उसने पे करा एसएससी का अपना और अपने स्पाउस का 38,000. राइट. देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, देखिए उसकी एज कितनी है. एज पर 1970 30 प्लस 22 दैट इज 52. दैट मीन्स वो सीनियर सिटीजन नहीं है. तो यहाँ लिखेंगे नो. और कितनी पेमेंट करी उसने 38,000. वो हम यहाँ लिखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में 38,000. और नेक्स्ट में कितनी मिलेगी 25,000. फादर्स की क्लेम ही नहीं कर रहा वो पेरेंट्स की. तो यानी नॉट क्लेम. सिंपली वैलिडेट. ओके. नेक्स्ट. हमारा अदर सोर्सेज हो गया. टीडी हो गया. अब हम जाएंगे चैप्टर 6A में. यहाँ पर देखिए 25,000 ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका है. देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. 80C में 1,50,000 आएगा. 700 लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000. देन इसको लिखा हुआ है 80CCD 1B 50,000. बस कुछ नहीं 80CCD 1B में ले देंगे 50,000. राइट. सो ये 50,000 है. दैट्स इट. इसके बाद आगे और कुछ नहीं. और कुछ और मेरे को बने नहीं है. अब हम लिखेंगे TTA या TTB में आएगा. वो रहेगा TTA में. सिर्फ और सिर्फ इसकी मिलेगी इंटरेस्ट सेविंग बैंक की. राइट. तो देखिए सेविंग बैंक में कितना था. दैट इज 28,400. तो यहाँ लिखेंगे 28,400. मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट 10,000. दैट्स इट.
वेरीड ओके नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर ये मैंने शीट मैंने लेकिन नो नहीं करी मैंने एग्जामेशन वाले पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में आइए, हमारे पास ज्वेलरी है, नेशनल प्रॉपर्टी है, प्लॉट ऑफ लैंड भी है, तो राइट इंफॉर्मेशन पुट करते हैं वन बाय वन। इमोबल प्रॉपर्टी है यस, पहला है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉस्ट लिखनी है आपको, कॉस्ट कितनी गिवन आपको, दैट इज 4 लाख, नहीं सॉरी दिस वन 2,95,000। प्लॉट ऑफ लैंड की कोस्ट आपको गिवन दैट इज 29,65,000। देन ज्वेलरी के वैल्यू गिवन आपको, कोस्ट गिवन आपको 4 लाख, जो गिवन नहीं है उसको जीरो लिखेंगे। कैश इन हैंड आपको गिवन है 83,600। That's it. It is okay. Next. Bank details fill up करेंगे. इस पर टिक करेंगे, धन नीचे आएंगे, फॉरन वहाँ पैसे सटेंगे तो उसको नो करेंगे, धन इसको हम वैलिडेट करेंगे पहले। नेक्स्ट
वैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट टीडीएस डिटेल्स पर लिखेंगे सैलरी का। सैलरी का चार्जेबल अमाउंट देख लेते हैं कितना लिखा है उन्होंने, 49,01,000। TDS by bank, ग्रोस अमाउंट 30,00,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वैलिडेट ओके है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन शीट इज ओके। कमिंग बैक टू पार्ट बी, कैलकुलेट टैक्स। एंड देन लेट्स सी द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, दैट इज नेट टैक्स लायबिलिटी बिफोर ऑल द इंटरेस्ट। दिस इज द आंसर, राइट? सो दिस इज द केस नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।